मूवी की स्टार्टिंग में हम मेलरी को देखते हैं। यहाँ उसकी शादी होने वाली थी, बट वो इस शादी से खुश नहीं दिख रही थी। वो अपनी शादी से पहले एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो डेनवर नाम की एक जगह पर जा रही होती है। अब रास्ते में वो अपनी कार रोकती है और अपनी बहन एला के साथ वीडियो चैट करती है, जहाँ एला उसे बताती है कि उसने अभी तक एरोप्लेन की टिकट नहीं खरीदी है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि मेलरी वास्तव में इस शादी से खुश रहे या नहीं। तो जवाब में मेलरी कहती है कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद डेनवर जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में ही उसकी कार खराब हो जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो कार को ठीक करने की कोशिश करती है, बट वो कार को ठीक नहीं कर पाती। और इसके बाद वो ड्रिंक करने जाती है तो अचानक से ड्रिंक उसके ऊपर ही गिर जाती है और उसके सभी कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके बाद मेलरी कार की डिग्गी में से कपड़े बदलने जाती है और तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। उसे देख वो अपनी कंडीशन बताती है और उससे हेल्प मांगती है, जिसके बाद क्रिश्चियन अपने कपड़े उतार कर कार को ठीक करने लगता है और कुछ देर बाद वो कार को ठीक कर देता है और मेलरी उसे थैंक्स बोलती है, जिसके बाद वो कार को ड्राइव करने लगती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद वो अपनी गाड़ी को रोक देती है और सोचती है कि उसे इस आदमी को लिफ्ट दे देना चाहिए, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की है और यही मेलरी का बहुत गलत फैसला था। अब वो क्रिश्चियन को कार में बैठाती है और वो दोनों डेनवर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में क्रिश्चियन मेलरी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो मेलरी से मीठी मीठी बातें करता है, जिससे अब मेलरी भी उससे खुलकर बातें करने लगती है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, बट तभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन उसे अपने बारे में कुछ गलत बातें बताने लगता है, जिससे मेलरी काफी घबरा जाती है और वो कार रोक कर उसे जाने को कहती है। बट तभी क्रिश्चियन उसे अपना चाकू दिखाता है और उसे ड्राइव करने के लिए कहता है, जिससे मेलरी डर के मारे ड्राइव करने लगती है। और तभी मेलरी की नज़र सीट बेल्ट पर पड़ती है, क्योंकि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती, जिससे मेलरी कार को खाई में गिराने की सोचती है। क्योंकि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती है तो खाई में गिराने से वो काफी ज्यादा घायल हो जाएगा। इसके बाद वो कार को खाई में गिरा देती है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और क्रिश्चियन कार से बाहर जाकर गिरता है, लेकिन मेलरी का पैर वहीं सीट में फंस जाता है। मेलरी के बहुत कोशिश करने पर भी उसका पैर सीट से नहीं निकलता। अब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन को होश आ गया है और वो मेलरी को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। अब काफी रात गुजर चुकी थी, जिससे मेलरी को डर लगने लगता है और वो काफी परेशान भी होती है, जिससे वो थक कर सो जाती है। अब अगली सुबह जब मेलरी की आँख खुलती है तो वो अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और तभी उसे वहाँ पर क्रिश्चियन दिखाई देता है। ये देख मेलरी क्रिश्चियन से खाना और पानी मांगती है, बट वो उसे तड़पाने के लिए उसके सामने ही पानी पीता है और उसकी कोई हेल्प नहीं करता। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है और ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि मेलरी की कार में एक लाइटर है, जिसकी मदद से वो वहाँ पर आग जलाती है और आराम करने लगती है। बट तभी उसके आसपास कुछ चूहे आ जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो वो इन चूहों को मारकर एक चाकू की मदद से आग पर पका कर खा जाती है और इसके बाद सो जाती है। अब अगली सुबह उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है तो वो अपने फोन को ले लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और वो उससे फोन को छीन कर तोड़ देता है। ये देख मेलरी काफी परेशान हो जाती है और क्रिश्चियन से हेल्प मांगती है। ये सुनकर क्रिश्चियन उसे एक कटर देता है और कहता है कि इससे तुम अपना पैर काट कर बाहर निकल जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस रात बहुत तेज हवा चलने लगती है और बारिश भी होने लगती है। तभी वहाँ क्रिश्चियन आता है, जो कि मेलरी को अलविदा कहने के लिए आया था, बट तभी मेलरी उस पर हमला कर देती है और वो उसकी कार की चाबी को बाहर फेंक देती है, जो कि क्रिश्चियन के ढूंढने पर भी नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि एक पुलिस की गाड़ी वहाँ से जा रही थी, जिसे देख क्रिश्चियन इसके पास जाता है और उसे लिफ्ट मांगता है। और तभी मेलरी चिल्लाकर हेल्प मांगती है, जिससे वो ऑफिसर उसकी आवाज सुन लेता है, बट फिर वो सोचता है कि ये सब उसका भ्रम है, जिसके बाद वो क्रिश्चियन के साथ वहाँ से चला जाता है। अब बहुत तेज बारिश होने के कारण मेलरी की कार के पास बहुत ज्यादा पानी आने लगता है। इसके बाद वहाँ बाढ़ आने लगती है, जिससे मेलरी अपने पैर को काटने की सोचती है, बट बहुत तेज पानी आने की वजह से उसकी कार खाई में गिर जाती है। यहाँ कार एक पत्थर से टकराती है तो मेलरी का पैर सीट से निकल जाता है, बट वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। अब वो नदी में तैरती हुई बाहर आ जाती है। अब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे एक जंगल में एक घर दिखाई देता है, जिसे देख वो एक लकड़ी की मदद से वहाँ हेल्प के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है ये घर तो क्रिश्चियन का ही है, जिसने वहाँ उस ऑफिसर और उसके घर वालों को बंदी बना कर रखा था और उन्हें मार रहा था। ये देख वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन आगे वो देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी बेटी को भी अब बंदी बनाया हुआ है, जिसका नाम केटी था। अब वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है और वो रस्सी को खोल देती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। उसे देख मेलरी उस पर गन से अटैक कर देती है, बट उसका निशाना चूक जाता है और उनमें लड़ाई होने लगती है। इसे देख केटी वहाँ से बाहर भाग जाती है और इसी के साथ मेलरी भी वहीं कहीं छिप जाती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे ढूंढ लेता है और उसके गर्दन पर चाकू रख देता है
पर तभी मेलरी उसे धक्का देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब क्रिश्चियन मेलरी को ढूंढते हुए बालकनी में आ जाता है। वो मेलरी को ढूंढ ही रहा था और तभी मेलरी उसे पीछे से धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि वो एक जाल में फंस जाता है। अब मेलरी कैटी के साथ नीचे जाती है और क्रिश्चियन को एक चाकू देती है और कहती है कि ये चाकू लो और अपना पैर काट लो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगी। अब क्रिश्चियन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से वहीं पर मौत हो जाती है और मेलरी कैटी को लेकर यहाँ से चली जाती है। और गाइज इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।